गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। ओके, तो ये चैप्टर हमने पहले छोड़ दिया था क्योंकि सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों का कॉमन नहीं था ये। ओके, बट अब सीबीएसई में भी इंक्लूड हो गया है। लेटेस्ट जो सीबीएसई ने चेंजेस किए अपने सिलेबस में ड्यू टू लॉकडाउन। ओके, तो सॉलिड स्टेट जैसे कि आपको पता है, ए सॉलिड मे बी डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेस रिजिडिटी। ओके, उसके साथ में डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, तो ये सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनमें रिजिडिटी होती है, ओके, साथ में डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे माइंड में, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड। ओके, कोई भी सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है उसके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और सेकंड है थर्मल मोशंस, बोल सकते हैं थर्मल एनर्जी के ऊपर। तो ये टू फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब हमें पता है कि सॉलिड में रिजिडिटी होनी चाहिए, तो अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी को उससे कोरिलेट कर लेते हैं हम। ओके, तो जिस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे, मैं ये ज्यूम करता हूं दिस इज सॉलिड, सॉलिड आपके सराउंडिंग में आपने ऑब्जर्व भी किए होंगे जितने सॉलिड लिक्विड क्या होता है। ओके, बट अगर साइंटिफिक में बात करें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, जिस क्रिस्टल में सॉलिड पड़ा है तो उसके बीच में जो ये पार्टिकल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच, इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्रा इज विद इन द बाउंड्री, मीन्स अगर इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात आती है तो मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगा, इंटर का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। ओके, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा तो उसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक दूसरे से टाई अप रहेंगे। ओके, और फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या, रिजिड हो जाएंगे। ओके, और रिजिड हो जाएंगे, इट मींस दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ओके, इट मींस इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा होता है तो कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में, थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में चला जाएगा, और बढ़ता है तो गैस में, सॉरी, और कम होता है तो गैस में चला जाएगा। इसी तरह से अगर किसी गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स हम बहुत ज्यादा बढ़ा दें किसी भी तरह से तो लिक्विड में आ जाएगा। ओके, और अगर मैं लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स किसी भी तरह से बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो वो सॉलिड में आ जाता है। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी, गैस में, बट हम जो कंसीडर करते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर कंसीडरेशन लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए। अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, इट मींस हम उसको सॉलिड बोलेंगे। ओके, तो फिजिकल स्टेट इज डिफाइंड बाय द रूम टेम्परेचर। ओके, सेकेंड आती है थर्मल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अगर इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मींस थर्मल एनर्जी उनमें ज्यादा होगी, तो ये पार्टिकल इधर उधर फ्रीली मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे। ओके, इससे क्या होगा कि जो एक सॉलिड की शेप आनी चाहिए वो शेप नहीं आ पाएगी। इट मींस दिस सब्सटेंस इज नॉट सॉलिड बट इधर लिक्विड और गैस। ओके, तो यहां से अगर हम चेक करते हैं तो थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने वाली है, और जिस तरह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेगी तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो
तो जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की तो है ही नहीं, क्योंकि सॉलिड के अंदर तो मॉलिक्यूल फिक्स पोजीशंस के ऊपर होते हैं। ओके तो हमारे पास क्या होगा, जिस तरह से थर्मल एनर्जी इतनी कम होती चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी वो पार्टिकल जितना कम होता चला जाएगा उतना सब्सटेंस सॉलिड की तरफ आता चला जाएगा। ओके और जितनी थर्मल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक मोशन कम होगी, उतने पार्टिकल्स एक दूसरे क्लोज आ पाएंगे, और जितना क्लोज होगा उतना पार्टिकल सोलिडिटी की तरफ जाएगा। ओके और अगर मान लो मैं इसकी थर्मल मोशन बढ़ा दूं सॉलिड की, तो क्या होगा, पार्टिकल्स इधर उधर मूव करना शुरू, काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगी, और काइनेटिक मोशन बढ़ जाएगी तो वो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड की अगर काइनेटिक मोशन में बढ़ाता हूं तो वो गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो इस तरह से डिफाइन होता है कि आपका कोई पार्टिकल सॉलिड में एग्जिस्ट करना चाहिए, सॉरी सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करना चाहिए, लिक्विड में एग्जिस्ट करना चाहिए, या गैस में एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे कुछ प्रॉपर्टीज हम सॉलिड की डिफाइन कर सकते हैं। ओके तो जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां पे, वो है कि फर्स्ट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ये पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड हैं, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी ज्यादा हैं। ओके तो फर्स्ट क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, ओके मींस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा कम, क्योंकि क्लोजली पैक्ड तभी होंगे ये। ओके सेकंड, मोस्टली सॉलिड्स में इन पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है। ओके थोड़ा बहुत वाइब्रेट जरूर कर, ओसिलेट जरूर कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ओसिलेट कर सकते हैं, बट एक मीन पोजीशन के अराउंड। ओके मींस नियरली फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके इनके बेस के ऊपर क्या कह सकता हूं, रिजिडिटी होती है, जो पहले मैं बात कर चुका हूं इसके बारे में। ओके सेकेंड जो है हाई डेंसिटी होती है, मास ओवर वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी, मास ज्यादा होता है थोड़े से वॉल्यूम में, इट मीन डेंसिटी हाई मिलेगी। ओके डेफिनेट शेप डेफिनेट पोजीशन मिलती है, और एक चीज और आती है इसके अंदर, वो आती है इनकंप्रेसिबल नेचर। इनकंप्रेसिबल नेचर का मतलब क्या, हम इसको प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ओके कंप्रेस क्यों नहीं कर सकते, आप बहुत कम कंप्रेस कर पाते हैं इनको, रीजन क्या है, पहले ही पार्टिकल इतने क्लोज होते हैं कि बीच में स्पेस ही नहीं होता, और अगर बीच में स्पेस नहीं होगा तो इट मींस क्या होगा कि ये, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में टच तो कर सकते हैं, ओके बट एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि एक स्पेस के ऊपर आपके टू पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पार्टिकल का अगर नेचर बात करें तो लोकलाइज्ड होता है। ओके सेकंड चैप्टर ऑफ प्लस वन में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में कि पार्टिकल नेचर लोकलाइज्ड होता है, कि एक पोजीशन के ऊपर एक टाइम में सिर्फ एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए जो है हम क्या करेंगे, मीनिंग पहले ही ऑलरेडी काफी कंपैक्ट है। ओके तो कंपैक्ट है ऑलरेडी है, तो थोड़ा बहुत अगर माइनर सा चेंज आएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको कंप्रेस और नहीं कर सकते। ओके तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टू टाइप्स का बेसिकली डिस्कस किया जाता है, क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस की बात होती है। ओके तो मेनली इनकी डिफरेंस ही कर लेते हैं, डिफरेंस में सारा कवर हो जाएगा, दोनों साथ साथ कवर होते चलेंगे। ओके तो फर्स्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते क्या है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर मैक्सिमम केसेस में मिलता है, मेन जो प्रॉपर्टी होती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कुछ में शॉर्ट रेंज भी मिल सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं है, बट मोस्टली में लॉन्ग रेंज ऑर्डर मिलता है। ओके बट ऑर्डर जरूर होता है। ओके यहां जो है आपके पास या तो कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, और अगर ऑर्डर मिलेगा तो भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेगा आपको। ओके
जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर के बाद तुम्हारा ए बी ए बी ए बी ये चलता रहे लगातार, या ए बी सी एबीसी चलता रहे लगातार, ठीक है। यहां क्या होगा, यहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलेंगे, मीन्स ए बी चल पड़ा, उसके बाद सी आ गया, ए आ गया, ए आ गया, बी बी आ गया, मीन्स क्या है कि लॉन्ग नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड हमारे पास है इनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं। ओके, इनकी शेप्स इररेगुलर होती हैं। ओके, अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट के लिए। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहां शार्प नहीं होता, नॉन शार्प होता है, मींस रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है, बेसिकली बोल सकता हूं मैं इसको। ओके, उसके बाद ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं, ये आपके पास अमोर्फस होते हैं, आइसो ट्रॉपिक। ओके, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं, अगर मैं इनको कट करता हूं तो ये क्लीन क्लीवेज शो करते हैं। ओके, बट अमोर्फस में इरेगुलर कट लगता है अगर मैं उसको काटने की कोशिश करता हूं। ओके, और फाइनली अगर बात बोलूं, इनको मैं ट्रू सॉलिड कह सकता हूं, दीज आर सूडो सॉलिड्स, मीन्स दीज आर फाल्स सॉलिड, और यू कैन से दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ओके, ये डिफरेंस है। अब इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का हो चुका है, डेफिनेट शेप्स, इरेगुलर, ये पता है हमें। अब आती है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट है हमारा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये होता क्या है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं, और क्यों होता है वो चेक कर लेंगे। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, और ये है अमोर्फस सॉलिड के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उस पर मैंने क्या लिया, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ए बी ए बी ए बी ए बी चलता रहा है लगातार। ओके, और यहां जो है मैंने उसको ए बी ए बी 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 ए बी ए मीन्स मैंने ऑर्डर को ब्रेक कर दिया है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो सब क्या ए बी, ये बॉन्ड भी ए बी ही है, ए बी ए बी ए बी मीन्स सब बॉन्ड्स जो हैं वो क्या है, ए बी टाइप की इंटरेक्शन है। ओके, मीन्स जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हर एक बॉन्ड ए बी टाइप की इंटरेक्शन है, सेम टाइप का बॉन्ड है। ओके, और सेम टाइप का अगर बॉन्ड है तो इट मीन्स क्या होगा कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर इक्वल होगी इट मीन्स सबके सब बॉन्ड एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ब्रेक होंगे, और अगर फिक्स टेम्परेचर ब्रेक होंगे इट मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर सब बॉन्ड सडनली ब्रेक कर जाएंगे, और सब बॉन्ड सडनली ब्रेक होने का मतलब क्रिस्टल कोलैप्सिंग वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हो जाएगी, मीन्स एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, मीन्स यहां एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलने वाला है क्रिस्टलाइन के अंदर। अब बात करते हैं अमोर्फस के अंदर। अमोर्फस में देखिए ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, ए ए भी है, बी 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 है। ओके, मीन्स इसमें हुई मेरे पास थ्री टाइप्स की इंटरेक्शन, और थ्री टाइप्स की इंटरेक्शन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि तीनों की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल हो। ओके, तो जो सबसे वीक होगा मैं एज्यूम करता हूं वो ब्रेक कर जाएगा एक्स टेम्परेचर के ऊपर, मीन्स कुछ पार्शियल मेल्टिंग होगी आपके पास। ओके, और फिर उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता गया, उसके बाद क्या होगा कि कुछ मेल्ट कर जाएगा एक्स प्लस फाइव के ऊपर, और कुछ मेल्ट कर जाएगा एक्स प्लस सेवन के ऊपर। इट मीन्स टोटल रेंज कितनी रही मेरी, एक्स टेम्परेचर में मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और एक्स प्लस सेवन तक कंप्लीट हो जाएगी।
ओके मींस मेरे को 7 डिग्री की एक रेंज मिल रही है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। इसी तरह से हर जो अमोर्फस सब्सटेंस है उसमें डिपेंड करता है कि फर्स्ट मेल्टिंग कब, फर्स्ट बॉन्ड की ब्रेकेज कब स्टार्ट हुई और लास्ट बॉन्ड की ब्रेकेज कब तक हुई। तो वहां तक जो रेंज होती है दैट इज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं उसको हम। ओके तो इसका कारण जो है क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और यहां जो मिलती है हमें वो शार्प ना मिलके हमें मिलता है वो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ओके तो ये हो गया आपका कि क्यों शार्प मेल्टिंग और क्यों रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके अब नेक्स्ट जो आपके पास वो क्या है, एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बिहेवियर। ओके तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ। अब सबसे पहले आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी होती क्या है। ओके तो ये आपके पास सॉलिड है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इस डायग्राम से। ये मेरे पास जो क्रिस्टलाइटिस दिया हुआ है ये है रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक। ओके तो यहां मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूं कि मीन्स मेरे पास टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हैं। ओके मैं एक पॉइंट से चलता हूं, अगर मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं और मैं इस डायरेक्शन में चलता हूं, मींस मैं एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चला, मैं इस डायरेक्शन में चला और इस डायरेक्शन में चला। ओके तो अगर मेरी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अगर सब डायरेक्शंस में आइडेंटिकल हो तो मैं उस सब्सटेंस को कहता हूं आइसोट्रोपिक। ओके और प्रॉपर्टी को बोलता हूं आइसोट्रोपी। और इस पॉइंट से चल के अगर इस डायरेक्शन में और दो दो डायरेक्शन कोई भी चूज करता हूं मैं, ओके उन डायरेक्शंस के अंदर अगर मेरी प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बात की है, कंडक्टिविटी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इस टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, बिहेवियर को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी और सब्सटेंस को बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। ओके तो बात ये होती है कि अगर एक फिक्स पॉइंट से चल के अगर मैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बात करता हूं तो मेरी सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में उनकी वेरिएशन होती है, डिफरेंट होती हैं। ओके इस डायरेक्शन में अलग मिलेंगी, इस डायरेक्शन में अलग मिलेंगी। तो वो रीजन ये होता है कि जो इस डायरेक्शन में जो उस प्रॉपर्टी के लिए पार्टिकल्स और इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। बट अगर मैं अमोर्फस सब्सटेंस की बात करूं, अमोर्फस सब्सटेंस आर बेसिकली सुपर कूल्ड सॉलिड्स। ओके तो उस केस में क्या होता है कि जो अमोर्फस सब्सटेंस है वो बिहेव करते हैं लाइक गैसेस और लिक्विड्स, उनके पार्टिकल्स नियरली नियरली इधर उधर वाइब्रेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ये एज्यूम किया जाता है। ओके और जब मैं इधर से इधर या इधर से इधर मूव करता हूं, दो टू डायरेक्शन कोई भी चूज करता हूं, तो उस केस में मेरे को क्या मिलता है कि जब मैं इधर जाऊंगा तो भी लगभग वैसे ही पार्टिकल मोशन में, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पार्टिकल्स मोशन में नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। ओके लेकिन अमोर्फस में क्या है, अमोर्फस में स्लाइट मूवेबिलिटी इज अलाउड। ओके तो उस केस में क्या होगा कि जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एवरेज बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स इज नियरली सेम। ओके तो इसलिए क्या होता है कि अमोर्फस सब्सटेंस शो करते हैं आइसोट्रोपी और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस शो करते हैं एन आइसोट्रोपी। अब मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके तो फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है मेरे पास आयनिक सॉलिड्स। ओके तो आयनिक सॉलिड होते हैं जो एग्जाम्पल मैं पहले ही कंसिडर कर रहा हूं, NaCl एग्जाम्पल, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ओके तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं,
आयंस, ओके, एंड द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस इन सच ए वे दैट दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोलंबिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बोलते हैं जिनको. मीन्स Na पॉजिटिव, फिर क्या आएगा Cl नेगेटिव, फिर आएगा Na पॉजिटिव, फिर आएगा Cl नेगेटिव, इसी तरह इधर बढ़ जाएगा Na पॉजिटिव इधर, Cl नेगेटिव इधर, Na पॉजिटिव ये होगा. ओके तो इस तरह से आगे ये बढ़ते रहेंगे. मीन्स ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलंबिक फोर्सेस से अट्रैक्ट करते हैं. ओके दीज आर आयनिक सॉलिड्स. ओके और अब हमें पता है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ओके तो अगर सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में ये Na पॉजिटिव अपने चारों तरफ यहां दिख रहा है, बट एक्चुअल में जब आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सिक्स सिक्स साइड से होगा. ओके एक ऊपर से और एक नीचे से. ओके तो Na पॉजिटिव सिक्स साइड से अपने ओपोजिट चार्ज से अट्रैक्टेड है. ओके फोर इन द सेम प्लेन, ये इसे नहीं पहुंचू, फोर इन द सेम प्लेन, 1 2 3 4, चार इसके सेम प्लेन के अंदर, एक ऊपर और एक नीचे. ओके तो सिक्स से सराउंडेड है ये, इट मीन इसका हिलना, कोलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफी स्ट्रोंग होती है, तो इसका हिलना यहां से सॉलिड फॉर्म में पॉसिबल नहीं है. और पॉसिबल नहीं है इट मीन ना ये आयन मूव करता है, ना ये आयन मूव करता है सॉलिड स्टेट के अंदर. ओके अगर इसी को मोल्टन स्टेट में ले आए तो बात अलग है, बट इस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये मूव नहीं करेगा. ओके तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है इट मीन्स इनको हिलाना मुश्किल है. ओके और अगर मैं इसको हीट करता हूं, हीट करने के बाद भी इसको मोल्टन स्टेट में ले जाना काफी मुश्किल है. रीजन क्या है? क्योंकि मोल्टन स्टेट के लिए मेरे को उसको लिक्विड स्टेट में लेके जाना है, और लिक्विड स्टेट में ले जाने के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि सारे बॉन्ड्स मेरे को ब्रेक करने पड़ेंगे, जो काफी मुश्किल काम होगा. इसलिए आयनिक सॉलिड्स के लिए हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर सकता हूं. ओके तो फर्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, सेकंड सॉलिड स्टेट के अंदर दीज आर इंसुलेटर्स. सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होंगे. रीजन क्या है? कि मेरा आयन मूव ही नहीं कर पा रहा. कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर चार्ज की मूवमेंट हो जाती है, यहां मूवमेंट होगी नहीं. रीजन क्या? कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर कोई भी आयन मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा इट मीन दीज आर इंसुलेटर्स. ओके और अगर मैं इसको मोल्टन स्टेट में ले जाऊं तो आयन मोल्टन स्टेट में मूव करना शुरू कर देंगे, तो मोल्टन स्टेट के अंदर ये क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा. ओके उसके बाद हमने पहले पढ़ा है लाइक डिजोल्व लाइक, पढ़ा ही हमने पहले. ओके तो पोलर सोलवेंट्स के अंदर ये आयनिक सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं. ओके क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए इनकंप्रेसिबली बोल ही सकता हूं मैं इनको. ओके तो ये है मेरे पास आयनिक सॉलिड्स. उसके बाद सेकेंड बात मैं कर रहा हूं, मोलिकुलर सॉलिड्स के लिए. ओके तो ये वो सॉलिड होते हैं, अगर मैं मोलिकुलर सॉलिड्स की बात करूं, जिसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मोलिक्यूल्स होते हैं, और इनको भी मैं थ्री टाइप्स में क्लासिफाई कर सकता हूं. ओके तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन अगर बात करूंगा वो आएंगे मेरे पास
पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होंगे जो, देखो मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल है, ओके, और मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि वो कुछ हद तक कोवलेंट है, ओके, और कोवलेंट का एक पार्टिकल जो है उससे दूसरे कोवलेंट पार्टिकल्स के बीच में जो मीन्स, अगर उसको सॉलिड बना दें हम तो उसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कह सकते हैं, ओके. तो पहले पोलर की बात करें, पोलर का मतलब तो पता है आपको कि उसके अंदर चार्ज होनी चाहिए, या मैं बोल सकता हूं डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए उसके लिए, ओके. एंड सेकेंड थिंग क्या होगा कि उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस काम करने चाहिए, ओके. डाइपोल डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर ही लेता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं, ओके. तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ इस तरह से अरेंज होंगे मेरे मॉलिक्यूल्स, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं, ओके. तो यहां देखिए, अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिटली चार्ज है, ओके. तो ये है मेरे पास एग्जाम्पल, इनके जो होते हैं वो आपका HCl, अगर बात करता हूं SO2, ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके. और द फोर्सेस होल्डिंग दीज मॉलिक्यूल टुगेदर आर बेसिकली डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ओके. कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, बोल की देखो आपस में वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, डाइपोल डाइपोल होगी, तो बोल सकता हूं कि सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है. उसके बाद बात करता हूं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके अगर बात करूं नॉन पोलर से, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमारे पास थे, ठीक है, उनसे मिलेंगे थोड़े से हाई मिलेंगे, ठीक है. बट अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करूं मैं, उससे तो काफी कम होंगे ये, ओके. अब अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है, इट मीन्स जो मोस्टली ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे ये रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस या लिक्विड में रहेंगे, ओके. तो ये मेरे पास कौन से थे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. उसके बाद कर लेता हूं सेकंड, जो इसी में है कि ये तो इसी के थे, और सेकंड आता फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये आता नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आते हैं मेरे पास, ओके. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उसके अंदर एग्जाम्पल जो होंगे वो होंगे H2 हो गया, Cl2 हो गया, CH4 हो गया, मीन्स डाइपोल मूवमेंट जिनका जीरो होता है, ओके. और सेकंड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोई जीरो डाइपोल मूवमेंट है, पोलर नहीं है अभी, इनके बीच में सिर्फ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही काम करती है, जो सरफेस के कारण एग्जिस्ट करती है, ओके. जब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड ही सॉफ्ट है, तो नॉन पोलर में तो इनसे तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये भी सॉफ्ट होंगे और ज्यादा होंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, नॉन कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इनका भी, उनसे भी ज्यादा होता है, ओके. और जब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ही गैशियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी गैशियस और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ओके. तो ये मेरे पास थे कौन से, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. नेक्स्ट आता मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स.
तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल सॉलिड वो होंगे जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से क्लियर है कि हमारे पास उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल जो होगा, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन वॉटर बॉब को पता है। इसी तरह से अमोनिया में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये होते हैं। ये मोस्टली वोलाटाइल लिक्विड्स या सॉफ्ट सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड होगी इनके अंदर। तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है इनके, वो आपके पोलर और नॉन पोलर जो सॉलिड्स थे उनसे कंपैरेटिवली हाई मिलेंगे। तो ये आपके पास थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड जो कैटेगरी में पढ़ने जा रहा हूं, दैट इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। मीन्स उनमें जो अलग अलग आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आर बेसिकली नॉन मेटल्स, और वो हर एक पार्टिकल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। जिसके कारण क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है। मीन्स अगर हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़े, डायमंड में अगर चेक करते हैं तो हमें पता है कि ये कार्बन हो गया, कार्बन चार से सराउंडेड है। उसके बाद ये भी आगे फोर से कनेक्टेड मिलेगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये भी आगे फोर से मिलेगा, 1, 2, 3 एंड 4। ये भी फोर से मिलेगा। मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कोवेलेंट बॉन्ड है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कोई वैलेंसी फ्री नहीं है, इसी तरह इधर ही फ्री नहीं है कोई भी। तो इस तरह क्या होगा, एक नेटवर्क बन जाएगा, और नेटवर्क बनेगा तो इट मीन्स क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंटरटेंगल्ड होंगे और नेटवर्क में एक दूसरे कनेक्टेड होंगे। तो जब भी मेरे को इस नेटवर्क को ब्रेक करना है तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा जो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में यहां क्या होगा, मेरे पास यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स काफी स्ट्रॉन्ग होगी। और हमें यह भी पता है कि डायमंड का एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं, तो डायमंड इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। वो रीजन यही है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेन क्रिटिकल क्या क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल इन नेचर, सो दीज सब्सटेंसेस आर हार्ड, काफी हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई मिलेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी हाई। और क्योंकि वैलेंसी फ्री नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर्स भी होंगे। तो मोस्टली ऐसे मिलेंगे, बट इसमें एक्सेप्शन भी है। जैसे इसका ऑपोजिट एलोट्रोप जो होता है आपको पता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। रीजन क्या है कि लेयर्स होती हैं, पता है आपको। तो लेयर्स होती हैं तो उस केस में आपको पता है कि एक हेक्सागन लेयर ऊपर होती है, एक नीचे होती है। यहां से चेक कर सकते हैं आप, एक हेक्सागन लेयर ऊपर, हेक्सागन फिर हेक्सागन फिर हेक्सागन, मींस एक शीट बन जाती है इस तरह, नीचे वाली शीट फिर शीट। तो यहां एक एडिशनल क्या होता है कि जो फोर को कार्बन के केस में, ग्रेफाइट के केस में फोर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो एक लेयर में सिर्फ थ्री कोवेलेंट बॉन्ड बन पाते हैं, तो फोर्थ जो है फोर्थ वैलेंसी फ्री रहती है, और फोर्थ वैलेंसी फ्री रहने के कारण क्या, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इनके अंदर, जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं, आप टेंथ में पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो यहां क्या होगा कि आप जो अपर और लोअर लेयर
या उससे लोअर ले रही है, पीछे वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो जो आपको ब्रोकन लाइंस दिख रही हैं, दीज आर वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये जो एक लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर जो स्लिप करती रहती हैं, और अगर स्लिप करेंगी तो क्या होगा कि वो इतना हार्ड नहीं होंगी। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे पास। ओके, उसके बाद लास्ट जो कैटेगराइजेशन है मेरे पास आता है मेटालिक सॉलिड्स, मेटल्स सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो यहां जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं एक थ्योरी की बात करूं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, पढ़ा होगा आपने, आप लोगों ने। उसके अंदर आपको पता है पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं, पॉजिटिव 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 मेटल का न्यूक्लियस होता है। ओके, और साथ में और इलेक्ट्रॉन्स साथ में फ्री होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो है, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं जिनके कारण वो कंडक्शन शो करता है। ओके, तो मेटल एटम सेंट्रल, जिसको हम कर्नल बोलेंगे। ओके, और ये बोल सकते हैं कि दिस इज द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल यही कहता है। ओके, और उसके बाद अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करता हूं मैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस, और 3D में क्या होगा, ऊपर और नीचे भी होगा। इस तरह से क्या होगा कि एक नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा पॉजिटिव कर्नल से अट्रैक्टेड होता है, इसी तरह ये पॉजिटिव होगा, वो सराउंडिंग के सब इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन के सराउंड में होंगे सबसे अट्रैक्टेड होगा। इस कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है भले ही थोड़ी सी वीक हो, बट नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेटल्स आर वेरी हार्ड। ओके, तो फोर्स दैट होल्ड्स द मेटल आयंस टूगेदर, इन मेटल के आयंस को इकट्ठा जो रखता है, मींस इस इलेक्ट्रॉन का इससे, इस इलेक्ट्रॉन का इससे, मींस ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। ओके, और मेटालिक अगर बॉन्ड की बात, मेटल्स की बात करता हूं सिंपली, अब हम प्रॉपर्टी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स काफी फ्री है, फ्री है तो इसलिए मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा नहीं होते। ओके, तो ये काफी अच्छे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, अगर लाइट फॉल करेगी तो एक्साइट और डीएक्साइट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो इसलिए इनके अंदर लश्चर होता है, कलर शो करते हैं बहुत सारे मेटल्स। ओके, मैलिएबल डक्टाइल होते हैं, मीन्स इनकी शीट्स भी बनाई जा सकती हैं, वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये मीन्स प्रेस करने के बाद एक्सटेंड करते हैं। ओके, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई मिलते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब इसी में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई इज ग्लास ऑफ विंडो पेन्स ऑफ वेरी ओल्ड बिल्डिंग, बहुत पुराने बिल्डिंग्स के विंडो पेन्स जो होते हैं उसमें ग्लास नीचे के पार्ट में, जो एक विंडो पेन अगर लेता हूं मैं, एक खिड़की लेता हूं, तो जो ग्लास यूज होता है इसके अंदर वो कुछ मतलब 20-50 साल के बाद नीचे के पोर्शन में थोड़ा सा थिक मिलता है और यहां थोड़ा सा थिन मिलता है, उसका रीजन क्या होता है। ओके, जैसा कि हमें पता है ग्लास इज एन अमोर्फस सॉलिड, और अमोर्फस सॉलिड की अगर बात करूं, अमोर्फस सॉलिड्स आर बेसिकली सुपर कोल्ड लिक्विड्स, पता है आपको, जिसकी विस्कोसिटी काफी हाई होती है। ओके, और जब लिक्विड्स ही हैं तो उनके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी मिलती है, फ्लूडिटी बोलते हैं जिसको हम। ओके, इस प्रॉपर्टी कारण होता क्या है कि धीरे धीरे जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ, अंडर ग्रेविटी नीचे की तरफ आता रहता है। ओके, और थोड़ा सा ग्लास मिल्की भी हो जाता है, ये पता है हमें। ओके, वो क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लास है, विंडो पेन बोल सकता हूं उसको मैं, विंडो पेन, वो क्या करती है कि वो काफी मतलब दिन में गर्म होती है, रात को ठंडी, दिन में गर्म, जिसको मतलब ये बोलता हूं मैं, ये और इस प्रॉपर्टी बोलता हूं गर्म और ठंडा हो रहा है, एनीलिंग बोलता हूं उसको मैं। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि कुछ पार्ट क्या करता है, एनीलिंग प्रॉपर्टी के कारण
कुछ पार्ट क्रिस्टलाइन कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि इधर उधर पार्टिकल्स मूव करते हैं और मोस्ट स्टेबल में जाना चाहता है वो। ओके, तो इस कारण क्या होता है कि विंडो पेन्स नीचे से थोड़ा थिक हो जाती है, ओके, ऊपर थोड़ा थिन हो जाती है और मिल्की नेचर में आ जाती है। ओके, तो ये था आपके पास सब सॉलिड स्टेट के लिए, बेसिक बोल सकता हूं इसको मैं। ओके, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने करना था। ओके, अब नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके अंदर हम जाएंगे क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ओके, तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, उसके यूनिट सेल क्या होती है, उसके अंदर प्रिमिटिव डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स हैं। ओके, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन पर एटम है, उसके बारे में बात करेंगे इसके बाद। ओके, तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अब एक स्नैपशॉट ले लेते हैं जो आज का काम किया है।